नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आज है 22 जनवरी और आप देख रहे हैं एमसूरवा एग्रो एक्सपोर्ट का डिजिटल पेज। आइए जानते हैं प्याज की पूरी रिपोर्ट क्या है और इसकी तेजी मंदी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं निर्यात की, तो दुबई के बाजारों में भाव सामान्य है। श्रीलंका के बाजार में कल 10 रुपए तक की तेजी देखने को मिली थी। आज शनिवार है, इसीलिए वहां की मंडी आज बंद है। अब आइए जानते हैं प्याज का भाव क्या कह रहा। एकदम सुपर क्वालिटी की बात करें तो सुबह की शुरुआती नीलामी में 2450 तक नीलाम किया गया। वही सुपर क्वालिटी की बात करें जो की दक्षिण भारत की तरफ ज्यादातर सप्लाई किया जाता है, तो 2100 से 2400 तक देखने को मिली। वहीं पे मीडियम क्वालिटी की बात करें जो की मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों में निर्यात किया जाता है, तो 1800 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिली। मीडियम मोटा प्याज की बात करें जो कि बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सप्लाई किया जाता है, उसका भाव 1500 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। अगर हम बड़े साइज की हल्की क्वालिटी की प्याज की बात करें तो 1200 से 1400 तक इसका भाव देखने को मिला। छाटन माल जो ज्यादातर लोकल मार्केट में ही सप्लाई किया जाता है, उसका भाव 1000 से 1200 तक नीलाम किया गया। अब बात करें तेजी मंदी की, तो बाजार में शाम की मंडी खत्म होने तक हल्की सी नरमी देखी गई है। आवकों की बात करें तो लगभग 12000 क्विंटल की आवक आज देखी गई है। शनिवार होने की वजह से आवक में कमी देखी गई है। नासिक पीपल गांव में सबसे अच्छी क्वालिटी 2550 तक नीलाम की गई, वहीं एवरेज क्वालिटी 2000 से लेकर 2400 तक रहा। मध्य प्रदेश के मंडियों में भाव की बात करें तो अच्छी क्वालिटी की प्याज 22 से लेकर 25 रुपए प्रति किलो तक देखा जा रहा है। वहीं मीडियम क्वालिटी 17 रुपए से लेकर 21 रुपए तक देखा गया है। दूसरे राज्यों की बात करें तो बिहार, ओडिशा और बंगाल की मंडियों में 2700 से 3000 तक का भाव देखा गया। वहीं साउथ की मंडी में 3000 से लेकर 3300 तक भाव मंडियों में देखने को मिल रही है।